आयुष्मान खुराना के फैंस और बाला मूवी के फैंस के लिए मैं एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो ये है कि फिल्म जो बाला है इसको ऑफिशियल तौर पर हिट की वर्डिक्ट मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बाला ऑफिशियल हिट हो चुकी है और इसी के साथ ये आयुष्मान खुराना के फिल्मी करियर की लगातार सातवीं फिल्म बन चुकी है जो हिट हो चुकी है लगातार। अब आपको बता दें कि फिल्म जो है बाला, इसका आज है डे 6 और 5 डेज के कलेक्शन के अपडेट आ चुके हैं, जो डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो फिल्म बाला ने इंडिया में पहले अपने 4 दिन में टोटल जो नेट कलेक्शन की थी वो थी 52 करोड़ 21 लाख रुपए की, 52 करोड़ 21 लाख की। अब आते हैं डे फाइव ट्यूसडे को था गुरु नानक जयंती, जो फिल्म के लिए काफी अच्छा मौका था क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन था। अब डे 5 ट्यूसडे का मेरे जो प्रेडिक्शन था, मैंने कहा था 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के आसपास का। अब मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ठीक तो नहीं साबित हुआ, लेकिन उसके ठीक बिल्कुल बहुत करीब कलेक्शन किया है, यानी कि फिल्म का डे 5 ट्यूसडे का जो कलेक्शन है वो है 9 करोड़ 52 लाख रुपए का, 9 करोड़ 52 लाख का। इसी के साथ फिल्म का इंडिया का पहले 5 दिन का टोटल जो नेट आंकड़ा हो जाता है वो है 61 करोड़ 73 लाख रुपीस का, 61 करोड़ 73 लाख रुपए का, और फिल्म ने 5 दिनों में ही 60 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखाया है। अब आते हैं डे 6 यानी कि वेनसडे। अब डे 6 है वेनसडे, है वर्किंग डे है, फिर से कलेक्शन थोड़ा सा गिरेगा। अब मेरा जो डे 6 का प्रेडिक्शन है वो रहने वाला है 6 करोड़ से लेकर 8 करोड़ के आसपास का, और बता रहे कि एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि फिल्म अपना पहला हफ्ता खत्म होते होते 75 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है या छू सकती है। तो देखते हैं कि फिल्म अपना पहला हफ्ता खत्म होते होते कितना कलेक्शन करती है। मैं डे 6 की बात करूं, मेरा प्रेडिक्शन है 6 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।